हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत और आज मैं आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने गुरु पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट की है तो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, क्योंकि दान पुण्य करने से व्यक्ति को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आज के दिन अपने गुरु जी के दर्शन करने चाहिए, गुरु जी को दान पुण्य करना चाहिए। आप कुछ भी अपने गुरु जी को दान कर सकते हैं, गुरु जी को नहीं तो आप मंदिर में किसी पंडित जी को आप दान करिए, वस्त्र दान करिए, अन्न दान करिए, जो भी आपकी इच्छा पड़े, मन पड़े, आप उस चीज़ का दान कर सकते हैं। आज के दिन माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भाई बहन का अपमान नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए घर में, और आज के दिन कहीं लंबी यात्रा पे नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन लंबी यात्रा पे नहीं जाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा आज अपना लंबा सफ़र तय करने से बचिए, आज के दिन आप बिल्कुल भी लंबा सफ़र ना करिए। तो गुरु पूर्णिमा का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। हम लोग गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी आषाढ़ा भी कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता होती है कि आषाढ़ी आषाढ़ा के दिन से आम का सीजन समाप्त हो जाता है, आम आखिरी हो जाता है, तो आज के दिन हम लोग आम जरूर खाते हैं। तो हमने आज कैसे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया है हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह हमारे सारे काम हो गए हैं फ्रेंड्स, हमने सब काम निपटा लिए हैं, घर की साफ़ सफाई कर ली है और अब हम कर रहे हैं पूजा। तो हम सबसे पहले पूजा से स्टार्ट करेंगे, हमारी पूजा हो जाएगी उसके बाद ही हम खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड हमारे ऑफिस जाते हैं। तो ये हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने दाल भिगो के रखी थी, शाम को हमने चने की दाल भिगो दी थी, तो ये दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसको छौंक देंगे। हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं, हम यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सरसों का तेल डालेंगे। तो अभी हमारी कढ़ाई गर्म नहीं हुई है, जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तभी हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम सरसों का तेल इसमें डाल देंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये हरी मिर्च हमने डाल दी है, हरी मिर्च हमारी पक रही है। हरी मिर्च जब हमारी पक जाएगी तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज। हमने 5 से 6 कलियां लहसुन की ली हैं और 2 छोटे प्याज लिए हैं, जो छोटे छोटे पीस में हमने काट लिए हैं, और इनको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये हम प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसी में हम दाल डाल देंगे। तो अभी हमारा प्याज भुन रहा है, कच्चे प्याज में हमें दाल नहीं डालनी है। जब तक हमारा प्याज पक ना जाए तब तक हम इसको यूं ही भूनते रहेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दाल चने वाली, जो कि हमने रात में भिगो के रखी थी। तो ये हमने कढ़ाई में डाल दी है दाल, सारी दाल हम इसी तरह से डाल देंगे, और डालने के बाद हम अच्छे से इस दाल को भी चला चला के भून लेंगे। तो हमने सारी दाल ले ली है और इसमें हम स्वादानुसार मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे। तो इसमें मसाले हम डालेंगे तो गरम मसाले का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम धनिया, जीरा, लाल मिर्ची पीस के हम रख लिए हैं, तो हम वही मसाला ऐड करेंगे। नमक हम अपने स्वादानुसार डालेंगे। तो ये हम नमक डाल रहे हैं, नमक का आप विशेष ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ना होने पाए, ज़्यादा नमक खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और हम गरम मसाला नहीं डाल के हम जीरा, धनिया और लाल मिर्ची, जो कि हमने पीस के रखी थी पहले से, तो वही मसाला हम इसमें डालेंगे। ऊपर से हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, लाल मिर्ची हमने
मसाले में पीस ली थी और हमने हरी मिर्ची भी डाली है, तो ज़्यादा हम तीखा नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो इसको हम अपने हिसाब से ही डालेंगे, मसाला और मिर्चा बहुत कम डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा कड़वा पसंद है तो आप कड़वा डाल सकती हैं, ज़्यादा मिर्ची भी आप डाल सकती हैं। और हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी अगर हम नहीं डालेंगे, इस दाल को ऐसे पकाएंगे तो ये हमारी दाल ऐंठ जाएगी, पकेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, तो हमने एक कटोरी पानी भी डाल दिया है। अब इधर हम अपने आटे की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, ये हम सुबह सुबह के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सुबह टाइम कम रहता है और ऑफिस जाना रहता है, तो इसीलिए हम सुबह थोड़ा सा बना रहे हैं इनके लिए कि सुबह सुबह ये जाएं तो भूखे ना जाएं, क्योंकि त्योहार का दिन है। तो आज तो बहुत सारा पकवान बनने वाला है, आज कचौड़ी पूड़ी सब कुछ बनेगा। तो अभी तो हम सुबह सुबह ही इनके लिए बना रहे हैं नाश्ते, नाश्ते में ये खा लेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो क्यों ना ये जो पकवान गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रहता है, जो बनता है भगवान को चढ़ता है, तो हम सोच रहे थे कि यही हम बना दें इनके लिए। उसके बाद पूड़ी कचौड़ी तो बाद में बनती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का चलन है शुरू से ही, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन आज जो आषाढ़ी अषाढ़ा है, इस दिन हमारे यहाँ दाल के पराठे ही बनते हैं। इसको हम बढ़ाई कहते हैं, तो हम दाल की बढ़ाई ही बनाने जा रहे हैं। तो ये हम आटा गूंथ रहे हैं। आप आटे में कुछ नहीं मिलाइएगा, हमने कुछ भी नहीं डाला है, नमक भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डालना है। हमें आटा छान लेना है और छानने के बाद उसको नॉर्मल पानी से हम अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे हम गूंथ रहे हैं ऐसे ही आपको गूंथना है। आटा बहुत अच्छे से गूंथना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो आटा, ना ही तो बहुत ज़्यादा टाइट हो, मुलायम आटा बनना चाहिए, जैसे हम बना रहे हैं मुलायम मुलायम आटा। और देखिए, आटा गूंथने का जो तरीका है कि हमारे बर्तन में आटा बिल्कुल ना लगने पाए, तभी हमारा आटा परफेक्ट होता है। जिस बर्तन में हम आटा सानें, उस बर्तन में आटा बिल्कुल ना लगा रह जाए, तभी हमारा परफेक्ट आटा कहलाता है। आप देखिए, हमारे तसले में बिल्कुल भी आटा नहीं लगा है। तो ये आटा हमारा सल गया है। देखो कितनी थकान लग रही है, आटा सानने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए थकान आ जाती है। तो आटा हमारा सल गया है और हमारी दाल अभी पक रही है। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। आटा हमने रख दिया है थोड़ी देर के लिए, और दाल अपनी चेक कर लेते हैं। दाल अगर हमारी पक गई होगी तो हम दाल को भी नीचे उतार लेंगे। तो ये दाल हमारी पक चुकी है, अब दाल को हम नीचे उतार लेंगे और थोड़ा देर के लिए हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो दाल हमारी पूरी तरह से पक चुकी है और हमने दाल को नीचे उतार लिया है, और इसको ठंडा होने के लिए हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है, अगर हम कढ़ाई में रखे रहेंगे तो ये दाल हमारी जल्दी ठंडी नहीं होगी। हमें जल्दी हो रही है, हमें जल्दी बनाना है, तो हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप कढ़ाई में ही रख के रहने दीजिए, थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी। तो हमने थाली में निकाल लिया था, तो देखिए अब हमारी दाल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डाल के मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हमने पीस ली। बहुत ज़्यादा हमको इसको पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, हम मीडियम रखेंगे इसको, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। वैसे इसको सिलबट्टे पर अगर आप पीस सकती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलबट्टे पर ये बराबर रहती है, मशीन में कहीं मोटी कहीं पतली रह जाती है। तो हमारे पास सिलबट्टा नहीं है, तो हमने मशीन में पीसा है, मिक्सी में हमने दाल को पीस लिया है। तो इसमें हमने थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दी है। हरी धनिया डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, बराबर कर देंगे, सब कहीं मिल जाएगी हमारी हरी धनिया। तो ये हमने दाल में हरी धनिया ऐड कर दी है, और ये चम्मच से चला देंगे तो हमारी दाल में धनिया अच्छे से मिल जाएगी। अब हम पराठे की तैयारी करेंगे। तो हम इसी पत्थर पे ही रोटियां बनाते हैं, तो हम पत्थर पे ही पराठे भी बनाएंगे, अपनी बढ़ाई जो है, तो हम वो पत्थर पे बना के दिखाएंगे आपको कैसे बनती है। तो ये हमने थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया था, तो हम सूखा आटा लगा के
छोटे छोटे से गोले बना देंगे, लोई जिसको कहते हैं। तो ये हमारी लोई बन रही है। लोई हम दो चार छः इकट्ठे बना लेंगे, नहीं तो फिर हम उधर तवा चढ़ाएंगे तो हमारा तवा जलने लगेगा, तो इसलिए हम छोटे छोटे से चार छः लोई बना लेंगे पहले। उसके बाद हम इसको दाल से भरेंगे, इसमें गोल गोल कटोरी का शेप देंगे। तो ये हमने कटोरी का शेप दे दिया है और इसी में हम दो चम्मच दाल को भर देंगे। तो ये इस तरह से हमें भरना है। दाल हमने ज़्यादा भिगोई थी, ज़्यादा हमने पीसी है, तो इसलिए हम दाल ज़्यादा ज़्यादा भर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भरेंगे तो हमारी दाल वेस्ट हो जाएगी, बच जाएगी। तो इसलिए हम अपनी दाल को उसमें लोई के अंदर बहुत ज़्यादा भरेंगे। तो उसे 3 चम्मच हम भरेंगे। अगर आपकी दाल कम है, आपके पास कम दाल है, तो आप थोड़ा कम भी भर सकती हैं। तो हमारे पास दाल ज़्यादा है तो इसलिए हम ज़्यादा ज़्यादा भर रहे हैं। और इसमें सूखा आटा लगाकर, ये हमारा बर्थन है, हम बर्थन लगाकर इसको बेलन की मदद से बहुत हल्के हाथों से इसको बेलेंगे, क्योंकि इसमें दाल पूरी तरह से भरी हुई है तो फट ना जाए। तो इसलिए हम बेलन को बड़े ही हल्के हाथ से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें ताकत नहीं लगानी है। सूखा आटा लगाकर हम हल्के हाथ से बेलन को घुमाएंगे और रोटियां हमारी, पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पराठा बन चुका है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। हमने तवा रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए, तो तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसी पे पराठे को डाल देंगे और सेकते जाएंगे। इधर हम अपने दूसरे पराठे की तैयारी करते हैं। तो ये हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे, उसी तरह से भर रहे हैं हम। देखिए ज़्यादा ज़्यादा हम दाल भर रहे हैं इसके अंदर। ज़्यादा दाल भर के बनाएंगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, अगर कम दाल भरेंगी तो आपको उतना स्वाद नहीं मिलेगा। तो ये हम ज़्यादा ज़्यादा भरेंगे इसके अंदर और सूखा आटा लगाकर हल्के हाथ से हम बेलते जाएंगे। अपना पराठा भी हम चेक कर लेंगे, नहीं तो हमारा पराठा जल ना जाए। तो ये देखिए हम अब इसमें चमचे की मदद से हम इस पर तेल लगा देंगे, जैसे आप पराठे में तेल लगाती हैं उसी तरह से आपको तेल लगाना है। तेल लगा के हम इसको पलट देंगे, पलटने के बाद हम इधर भी तेल लगा लेंगे अच्छे से। ये हमारा कुरकुरा कुरकुरा पराठा बनेगा। अगर हम इसमें दाल कम भरते तो ये पराठा हमारा कुरकुरा नहीं होता। तो हमें कुरकुरा कुरकुरा पराठा बनाना है तो हम इसमें ज़्यादा दाल भर के पकाएंगे इसको। तो ये हमारा कुरकुरा कुरकुरा पराठा पकेगा, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा। गरम गरम खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम इसको तो हम चाय के साथ ही लेंगे अभी, क्योंकि कल हमें आम नहीं मिली थी और आम की वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये त्यौहार आम के साथ बढ़ई खाने का ही होता है। तो आम कल हमें मिली नहीं थी, तो अभी हम दोपहर में आम मंगाएंगे, देखेंगे शायद मिल जाए आम। तो दोपहर में हम आम मंगाएंगे, तो आम के साथ हम लोग बढ़ई खाते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो नाश्ते में हम बना रहे हैं। अभी हम सब लोग इसको चाय के साथ खाएंगे। चाय के साथ भी इसको खाने का अलग ही मज़ा है, चाय के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम इस पराठे को चाय के साथ अभी खाएंगे और हम एक एक करके इसी तरह से सारी बढ़ई हम इसी तरह से बना लेंगे। जितने भी पराठे हैं हम बनाते जा रहे हैं और गरम गरम बच्चों को खिलाते भी जा रहे हैं। एक तरफ से हम बना रहे हैं, दूसरी तरफ से हम खिला भी रहे हैं, सबको नाश्ता देते जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह सब काम भी हो गया है, नाश्ता भी बन गया है टाइम से, और अभी हस्बैंड हमारे नहाना धोना कर रहे हैं। जब तक वो नहाना धोना करेंगे तब तक हमारा इधर पूरा अच्छे से नाश्ता हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हम फटाफट सबके लिए बना देंगे। अभी शाम को हम बनाएंगे पूड़ी कचौड़ी। जो बच्चों का मन होगा शाम के टाइम, वो जो खाने को कहेंगे तो वो हम बना देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस जो हमारी बढ़ई है जिसको हम तवे पे बना रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको
छोटा बना करके कढ़ाई में तलते हैं, कचौड़ी के टाइप से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये तवे पर ही सेंकी जाती है, तो हम इसलिए तवे पर बना रहे हैं। अगर आपको कढ़ाई की कचौड़ियाँ पसंद हैं, दाल वाली कचौड़ी, तो आप पूड़ी की तरह निकाल सकते हैं, कचौड़ी की तरह बना सकते हैं कढ़ाई में। और हमारे यहाँ तवे पे बनती है, तो हम तवे पे बना रहे हैं। जिसको जैसा पसंद होता है वो उसी तरह से बनाता है, तो हम इसको तवे पर ही बनाते हैं। शुरू से हम तवे पे बनाते आए हैं और हम अब भी तवे पर ही बनाते हैं। हमारे मायके में भी तवे पे बनती थी और यहाँ ससुराल में भी तवे पर ही बनती है, तो हम तवे पर ही बनाते हैं इसको। आज के दिन हम तवे पे बनाते हैं, इसके अलावा कभी खाने का मन करता है तो हम कढ़ाई में कचौड़ी की तरह बना लेते हैं। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स बढ़ाई हमने बना ली है और अब हम करेंगे नाश्ता। तो अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने चाय ले ली है ग्लास में और हमने ये देखिए जो हमने पराठा बनाया है, हम इसको चाय के साथ खाएंगे और दोपहर में हम इसको आम के साथ खाएंगे। तो आज बढ़ाई हम लोग आम के साथ खाते हैं, लेकिन कल हमें आम मिली नहीं थी मार्केट में, तो हम इसीलिए सुबह हमें जल्दी भी थी, तो हमने इसको चाय के साथ सबको नाश्ते में बना दिया है। और अब हम दोपहर के समय हमें आम मिल जाएंगे, तो हम सब लोग आम के साथ बिठाई खाएंगे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, इसको हम आषाढ़ी आषाढ़ा भी कहते हैं। तो आज सुबह सुबह हमने आषाढ़ी आषाढ़े का त्यौहार कर लिया है, हमने बिठाई बनाकर भगवान को भी चढ़ा दी है। और फ्रेंड्स आज गुरु पूर्णिमा के दिन देखिए हमारी बिटिया का गिफ्ट भी आया है, तो बिटिया बड़ी खुश हुई है आज सुबह सुबह। आज हम सारे काम अपने निपटा के नाश्ता पानी करके बैठे ही थे कि उतने में कुरियर इनका आ गया, तो ये बड़ी खुश हुई है। तो हम इसको देख रहे हैं, खोल के इसको ओपन कर रहे हैं कि इसमें क्या है, आखिर इन्होंने क्या मंगवाया था। तो हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिए क्या है इसमें, कैसे खुलेगा ये। तो ये देखिए यहाँ से खुलेगा, क्या है इसमें, बोलो इसमें क्या है, बताओ सबको बताओ क्या है। कैंडल मैकिंग सेट, अच्छा इन्होंने कैंडल मैकिंग सेट मंगवाया है। और देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें ये देखिए कलर भी आए हुए हैं, ये कलर है और ये बहुत सुंदर सी, ये देखिए कटोरी टाइप की है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए रिबन है, इसमें रिबन भी मिला है। और इसमें क्या है, ये देखिए ग्लास है छोटा सा, इसको भी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा ग्लास इसमें आया है। और ये ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स निकले हैं इसके अंदर से। और ये क्या है, इसमें सब पता नहीं क्या है, कुछ उनको गिफ्ट विफ्ट की तरह से, और भी इसमें बहुत सारा सामान है। ये देखिए ये कैंडल है, अच्छा मोम है ये देखिए फ्रेंड्स कितना सारा मोम इसके अंदर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं मोम के, तो इससे ये कैंडल बनाएंगे। कैंडल सेट है ये, कैंडल सेट इन्होंने ऑर्डर किया था, तो इनका कैंडल सेट आ गया है। और ये छोटा छोटा सा मोम है सारा, तो ये पूरा पैकेट में है। और क्या है इसमें, और इसमें एक बुक भी है, ये देखिए एक बुक भी मिली है इसके अंदर से। इसमें सब बताया गया है कि कैसे बनना है, कैंडल कैसे बनती है, और बहुत चीजें हैं इसमें। और ये देखिए गुलाब की पत्तियां हैं, ये सूखी हुई जो गुलाब होता है उसकी सूखी सूखी पत्तियां हैं पैकेट के अंदर, ये पूरा सूखा गुलाब है, गुलाब के फूल जो सूख जाते हैं उसकी पत्तियां इसके अंदर पैकेट में है। और ये क्या है, ये देखिए जो ऊपर जो धागा लगता है कैंडल के ऊपर, ये वो धागा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये देखिए। तो इन्होंने अमेजोन से मंगवाया था, ये बहुत अच्छा है, 300 रुपये में आया है इनका ये ऑर्डर, अच्छा लगा मुझे। और देखिए कलर भी है इसके अंदर। और इसमें इस दूसरी वाली में क्या है,
इसके अंदर भी कुछ है, लिक्विड में है, ये पानी की तरह लग रहा है। अब बुक में देखेंगे कि क्या है, इससे क्या होता है। तो ये लिक्विड में है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाइंग लिंक। अगर आप अपने बच्चों के लिए मंगवाना चाह रही हैं तो आप मंगवा सकती हैं, बहुत अच्छा है। 300 रुपये में, महंगा नहीं है बिल्कुल, और बहुत अच्छा है। बच्चे इस समय घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चे अपना इसमें व्यस्त रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो इसीलिए मैंने मंगवा दिया है कि बिटिया घर में रहती है, बोर होती रहती है, तो वो बोर ना हो इसलिए हम इसके लिए जो भी कहती है मंगवाते रहते हैं, ये अपना बनाती रहती है धीरे धीरे। ये इसमें स्पून है छोटी सी, तो ये सब कैंडल बनाने में काम आएगी। तो ये सब इनका सामान आ गया है। सबसे अच्छी मुझे लग रही है ये कटोरी, कितनी सॉफ्ट है देखिए। तो वीडियो हमारी आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।